एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज़ प्रीति मेहरा, आई एम स्टडी क्लास 7th। आवर टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। मेरी फ्रेंड दिव्यांशी पाठक अब आपको अपना इंट्रोडक्शन दी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज़ दिव्यांशी पाठक, आई रीडिंग क्लास 7th। आवर टॉपिक इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसे कि एक ये पेड़ है, अगर ऊपर अगर सूरज की रोशनी इसमें पड़ेगी तो जिसकी पत्तियां हैं इसमें क्लोरोफिल आएगा और ये हरा भरा रहेगा। अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो जो इसकी रूट्स होती हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और ये रूट्स से ये पानी को लेता है, रूट्स से ही इसको पानी मिलता है। अब मेरी फ्रेंड फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन समझाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CO2 प्लस H2O सनलाइट क्लोरोफिल, उसकी प्रजनन में बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2। जैसे कि प्रीति मैंने आपको बताया कि इस फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट से, उनको जब सूरज की रोशनी मिलती है तो अपने क्लोरोफिल बनाते हैं और वो हरे भरे रहते हैं। और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसे उसको ले लेते हैं और वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये सनलाइट है, यहाँ से सनलाइट आएगी तो ये पेड़ों में जाएगी और जब ये पेड़ों से क्लोरोफिल ये लेगा और ये हरा भरा रहेगा। जब हम लोग पानी डालते हैं तो ये पेड़ ये जो इसकी जड़ें हैं ये पानी लेती हैं और उसके बाद ये ग्लूकोज का निर्माण भी करती हैं और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन का भी निर्माण करती हैं। हम लोग एक पेड़ को अगर कहीं जैसे कहीं जहाँ सनलाइट नहीं होगी तो वहाँ रखेंगे तो ये थोड़ा ये इसका पूरा खाना अच्छे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका खाना बनाने के लिए सनलाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है।